राम राम भाई हो। आज हम बात करने वाले हैं संदीप भारती के बारे में, जो पिछले काफ़ी समय से किसानों के आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। और आज इस वीडियो के अंदर हम उनसे सब जुड़ी सारी जानकारी आपके लिए ले गए हैं। उम्मीद करा आपको ये वीडियो पसंद आएगी। संदीप भारती का जन्म हिसार ज़िले के बुडाणा नामक गाँव में हुआ है और एक किसान परिवार में जन्म लेने का कारण इनकी किसान की स्थिति के बारे में अच्छी तरह बेरा पाट गया था कि किस तरह एक किसान जो कि देश का अन्नदाता है, लेकिन फिर भी वो सरकार और साहूकारों की मर्जी का गुलाम है। और इस करके इनकी सर्वोदय किसानों के लिए कुछ करने का मन में ठान लिया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो इन्हें की जो प्राथमिक शिक्षा थी वो गांव से ही कंप्लीट की। फिर इन्होंने एमबीए जीजेयू यूनिवर्सिटी हिसार से कंप्लीट की। इसके बाद इन्होंने लॉ की पढ़ाई डीयू यूनिवर्सिटी से की और वहीं पर ये छात्र संघ से जुड़े, जहां पर इनके अंदर क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव बहुत ज़्यादा। 2013 के अंदर ये भारतीय किसान ब्रिगेड से जुड़े और ये संत गोपाल दास से भी मिले, जिनका इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा। इसके बाद इन्होंने हरियाणा के हर एक गांव में जाकर लोगों को एकत्रित किया और अपने संगठन के बारे में बताया और कई रैलियां भी की, जैसे कि जींद के अंदर ये आमरण अनशन पर भी बैठे। जाट आरक्षण के दौरान 2016 में राजकुमार सैनी ने हरियाणा की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया, जिसके कारण संदीप भाई ने राजकुमार सैनी से को करारा जवाब दिया और उन पर कालिख फेंक दी थी। आप भी इस क्लिप को एक बार जरूर देखिए। जाति के नाम पे हम समाज को नहीं देख सकते, बहुत जातिवाद हो गया हरियाणा में। अब पढ़े लिखे एमएलएलबी हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से वकील हूँ, आजाद किसान मिशन का संयोजक हूँ। सिर्फ इसलिए हमने किया है कि जाति के नाम पे हरियाणा को जो जलाया गया था और आगे जलाने की जो कोशिश हो रही उस पर रोक लगे। कहाँ गया आपने वाले? मेरा जिला हिसार है जी। आप सभी एक गांव से? हाँ, सभी एक गांव से। किसने कहा था करने के लिए आपका? किसी ने नहीं कहा जी, सेल्फ इंस्पायर्ड है। इसके बाद तो दोस्तों संदीप भारती जी ने अपना जो लक्ष्य था वो बिल्कुल साफ कर दिया था कि किस तरह से सरकार से लोहा लेना है। हालांकि काफ़ी अड़चने भी आई, लेकिन संदीप भारती जी रुके नहीं और 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर इन्होंने कुरुक्षेत्र से अपना पर्चा भी भरा। हालांकि ये एक दुर्भाग्य है हमारे देश का कि यहाँ पर लोग पार्टी के नाम पर वोट देते हैं और जात के नाम पर वोट देते हैं। फिर भी संदीप भारती जी अभी भी अब जो किसानों की आवाज़ है उसको उठा रहे हैं और उम्मीद करते हैं हम कि इसी तरह से वो आवाज़ को उठाते रहेंगे। हालांकि उनकी कुछ खास बातें जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई है वो आप एक बार ज़रूर सुन लीजिए। वो हरियाणा के हॉकी प्लेयर रह चुके हैं और काफ़ी बेहतरीन उनका व्यक्तित्व है और उनके विचारों के अंदर आपको भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी विचार का समावेश मिलेगा। मैं तो उनसे मिल चुका हूँ, काफ़ी प्रभावित हूँ और एज ए हीरो मैं उनको देखता हूँ, क्योंकि जो कुछ आज वो कर रहे हैं काफ़ी मुश्किल है, लेकिन वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट